क्यों नहीं एक्स होगा, इस पे चार्ज अब फोर क्यों नहीं वाई होगा, राइट? लेकिन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी कैन से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8q प्लस 4q होगी. क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडक्टर जो कि अब एक कंडक्टर है, लेकिन ये बाकी दुनिया से तो आइसोलेटेड है ना, बाकी दुनिया से तो कनेक्टेड नहीं है. तो जो इन दोनों पे चार्ज है उसका सम जो ओरिजिनली था उसके बराबर रहेगा. एक इक्वेशन, एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से आएगी? पोटेंशियल से, राइट? इसका सबसे घटिया सॉल्यूशन जिसकी वजह से आगे बहुत गलतियां होंगी वो इस तरह की फील वाला होता है कि सर मेरे को यहां का पोटेंशियल दिख रहा है हायर है, तो मैं यहां 8q माइनस q लिख लेता हूं और यहां पे प्लस q लिख लेता हूं ताकि एक वेरिएबल कम लिखना पड़े. लोग जो इक्वेशन लिखते हुए वेरिएबल कम करने की कोशिश करते हैं अक्सर उनसे सवाल गलत सॉल्व होते हैं. बहुत गंदी आदत जो फिजिक्स में डाल दी जाती है और बच्चे डाल लेते हैं वो ये कि इक्वेशन लिखने के दौरान ही वेरिएबल कम करते चले जाओ. ये वर्स्ट हैबिट है. एफबीडी बनाते हुए फोर्सेस के वही कंपोनेंट बना लो जो अपने काम के हैं, दूसरे को भूल जाओ, फिर किसी सवाल में उसकी जरूरत पड़ेगी तो मरेगी, राइट? सो डू नॉट रिड्यूस योर वेरिएबल, राइट इक्वेशन इंस्टेंट. क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, एक्चुअली फिजिक्स में टाइम की कमी की वजह से किसी सवाल नहीं छूटते, गलत होते हैं. सवाल पूरे हो जाते हैं, गलत बहुत सारे होते हैं. इट्स मैथ्स जहां पे सवाल छूटते होंगे, फिजिक्स में नहीं छूट सकते. गलत बोलोगे मैं? हाँ, आ रहे है ना? तो फिजिक्स में स्पीड का इश्यू होता ही नहीं है कभी भी. जितना स्लो चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा, स्लो होके भी हो जाएगी. सो ये समझ में आया एक्स और वाई वाली बात कि नहीं आई? डोंट ट्राई टू रिड्यूस वेरिएबल्स, डोंट डू दैट. ओके, पोटेंशियल लिखना है हमको अंदर वाली शेल का, कितना होगा? क्यों बिना अंदर वाली शेल का पोटेंशियल बताओ? कुछ नहीं पढ़ते लिखते हो तुम, टाइम पास कर रहे हो. ओके, एनीवन एल्स? इनका कहना है अंदर वाली शेल का पोटेंशियल के एक्स बाय आर है. करेंगे हमने और सवाल? शेल के अंदर शेल वाले, ये पोटेंशियल था क्या? अंदर वाली शेल का पोटेंशियल के इन टू माइनस बाय, वेरी गुड. समझा चुका हूं कई बार कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, खुद की वजह से, बाकियों की वजह से. सबका सम वुड बी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इन स्पेस, राइट? मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल. कितना है उसका? के वाई बाय फोर आर प्लस माइनस 6q बाय फोर आर प्लस एक्स बाय फोर आर, राइट? समझाऊं कैसे आया बाय फोर आर फोर आई फोर? एक्स प्लस वाई को 12q पुट कर दीजिए उधर तो, और इधर एक वेरिएबल की टर्म्स में पुट कर दीजिए वाई के टर्म्स में, आंसर आ जाएगा. 4r से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज 4x माइनस 12q प्लस वाई इज इक्वल्स टू के वे तो कट ही गए सारे, एक्स प्लस वाई 12 माइनस 6 6q. ऑलराइट, सो जस्ट पुट y as 12q minus x. x is equals to 2q and y is equal to 10q. That's it. कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में?
तो अर्थिंग के अंदर दो इंटरप्रिटेशन है अर्थिंग की. एक इंटरप्रिटेशन बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए होती है, जैसे कि हमारा शहर, ये घर, राइट, ऐसी चीजों के लिए अर्थिंग का मतलब होता है एक्चुअली ये पृथ्वी से कनेक्ट करना. ओके और दूसरा अर्थिंग जो लिटरल मीनिंग है अर्थिंग का, वो मतलब लिटरल तो पता नहीं, टेक्निकल मीनिंग जो है अर्थिंग का वो है टू कनेक्ट विद अ लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर. अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट विद अ लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर. कोई बता सकता है व्हाट विल हैपन वी कनेक्ट व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर? व्हाट विल हैपन व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अ लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर? ऑलराइट, सो हियर वी गो. सिंस वी आर डीलिंग विद अ लार्ज एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि उसका पोटेंशियल कितना है? जीरो. लार्ज मतलब हम उसको दो चार कूलम चार्ज दे भी देंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब उसका पोटेंशियल हमेशा कितना ही रहेगा? जीरो रहेगा. मतलब कि एक लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल जीरो था, और यदि हम उसको थोड़ा मोटा चार्ज दे भी देंगे तो वो भी फिर भी जीरो ही रहेगा. इसका मतलब जब हम किसी को लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो उस जिस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी सच दैट कि उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी. ऑलराइट, इनफैक्ट कोटा में एक दुकान थी, पता नहीं अभी वो लगा के रखता है कि नहीं रखता है. ऑलराइट, कंप्यूटर शॉप थी, मतलब है अभी भी है. ओके उसके यहां पे जाओ तो उसके एंट्री पे उसने लगा रखा है, यदि आपके घर में अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो ये इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, जबरदस्ती, मतलब सॉर्ट ऑफ जबरदस्ती वर्ड तो नहीं लिखा होगा उसने, बट उसका बेसिकली कहना यह था जबरदस्ती मेरे को परेशान ना करें कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है आपका, क्योंकि प्रॉब्लम आपके घर की अर्थिंग की है. अर्थिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के काम करने में या किसी भी डिजिटल डिवाइस के काम करने में, जैसे कि ये, इसमें भी अर्थिंग चाहिए होती है. आप बोलेंगे सर इसको तो आपने बिल्कुल शील्ड कर रखा है प्लास्टिक से, तो अर्थ से कनेक्टेड नहीं है. इन सब चीजों में एक बड़ा सा कॉपर का पीस होता है, क्योंकि मैं इसको प्लेन में भी फर्स्ट क्लास यूज कर सकता हूं, वहां तो कोई अर्थिंग नहीं होगी. इसको मैं हवा में हूं तो भी यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वो टीवी में चल एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं सैमसंग वाले, वो लोग पैराशूट से कूद जाते हैं, फोटो वोटो खींच रहे होते हैं पागल टाइप्स. आपने नहीं देखे टीवी में एड आते हैं यार, सैमसंग के सबसे वाहियात किस्म के एड होते हैं, राइट, कोरियन कंपनीज के सबसे बुरे एड होते हैं, कभी नोट करिएगा. खैर कोई नहीं, तो वो हवा में उस समय कैसे काम कर रहा है. इसके अंदर अर्थिंग होना बहुत जरूरी है. अर्थिंग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि 0101 में चलता है डिजिटल वर्ल्ड, और जीरो का मतलब जीरो पोटेंशियल. जीरो पोटेंशियल तभी हो सकता है जब किसी रेफरेंस पॉइंट के बराबर हो, राइट. तो प्रैक्टिकली अर्थिंग का मतलब यही होता है कि हम किसी लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे. क्योंकि लार्ज न्यूट्रल से कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो मैंने नहीं कहा चार्ज जीरो हो जाए, कोई चार्ज बोल रहा था, लड़की जीरो बोल रही थी, चार्ज जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल उसके बराबर हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल कितना है? जीरो. क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल कंडक्टर है, और उसको छोटा मोटा चार्ज दे भी देंगे तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. और जीरो का मतलब फिजिक्स में मैथ्स का जीरो नहीं होता, राइट. खैर हियर वी गो. ये था हमारे पास, याद होगा आपको, राइट. अभी ये तार से कनेक्टेड नहीं है, ये 8Q 4Q वापस से ओरिजिनल अरेंजमेंट. फाइंड चार्जेस ऑन ऑल शेल्स आफ्टर अर्थिंग. ओके अभी अर्थ करा नहीं, अब कर दिया अर्थ. ठीक है.
ठीक है, अर्थ कर दिया इसको, स्विच अर्थ से कनेक्ट कर दिया, फाइंड चार्ज ऑन ऑल शेल्स।